नहीं भेज रहा हूँ, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कितने सारे स्टूडेंट प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, कितने सारे स्टूडेंट प्रॉपर अवेयर हैं इस चीज से। रिकॉर्डिंग कोई मांग ही नहीं रहा मुझसे, इसीलिए तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हाँ क्यों नहीं। आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे या फिर आपको बिल्कुल गोलमाल हो रहा है? जी हाँ, अभी थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस आ रही है सभी में, और प्रॉपर वर्क कीजिए आप। तो फर्स्ट लाइन में आपका एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, सेकंड लाइन में क्या है उस वेरिएबल्स में आपने नंबर एंटर करा के वैल्यू स्टोर करा दी एक्स के अंदर। ओके ओके, अगर मैं डायरेक्ट इसको प्रॉम्प्ट से ना लेते हुए डायरेक्ट वैल्यू दे सकता हूँ, रुको रुको, क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या मैं श्रेयस से पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये सही है? लाइन नंबर टू में जो मैंने 25 दिया है, इसका मींस क्या हुआ? इसका मींस वो हुआ कि सर उसमें अपन ने उसकी वैल्यू डिक्लेयर कर दी कि एक्स की हार्ड वैल्यू कोडेड वैल्यू दे दी, अब आपको यूजर से नहीं लेना है, अब तो डायरेक्ट आपने क्या है, आपने 25 उसको दे दिया। ओके गुड, वेरी गुड। ओके, लाइन नंबर थ्री को मैंने अभी क्या किया है, हाइट कर दिया। हाइट किससे किया है? अभी मैंने यहाँ पे डबल स्लैश यूज करोगे जिससे क्या हो जाता है, आपका कमेंट हो जाता है ये लाइन। अभी ये लाइन आपके सिस्टम यहाँ पे वर्क नहीं करेगी, इसके प्रोग्राम में ये सिर्फ ओनली हाइड है ये लाइन। ओके, इतना समझ लीजिए। लाइन नंबर फोर पे आते हैं, तो लाइन नंबर फोर में क्या है बताएगा, कौन बताएगा मुझे? समीर बताएंगे। बेटा बताओ समीर, लाइन नंबर फोर क्या है? यस सर, उसमें एक वेरिएबल वेरी गुड, बहुत अच्छे। उसमें और आप उसकी वैल्यू वैल्यू स्टोर है क्या? राहुल सेतिया। स्टोर है राहुल सेतिया। ओके, तो अब जो राहुल सेतिया जो वैल्यू है वो किस टाइप की वैल्यू है? स्ट्रिंग वैल्यू है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, स्ट्रिंग वैल्यू है, बहुत अच्छे। ओके ठीक है, ये वाली भी लाइन क्लियर हो गई। अब मुझे कौन बताने वाला है? मैं अभी पूछना चाहता हूँ से ज्योतिर्मय से। ज्योतिर्मय बताइए बेटा, लाइन नंबर फाइव का क्या मीन्स है? लाइन नंबर फाइव क्या बोल रही है आपको? लाइन नंबर फाइव का क्या यूज हो रहा है? हमें वेरिएबल नेम यूज करना है, मैं सोचा है वेरिएबल लाइन नंबर फाइव में क्या है? नहीं आ रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं भी समझ आपका ओके। वेरिएबल्स में मैंने यहाँ पर राइट फंक्शन यूज किया है। राइट फंक्शन का ये फंक्शनलिटीज है कि आपने किसी भी वेरिएबल को आप अपनी स्क्रीन पर राइट करवा सकते हो। ओके, ये इतना क्लियर हुआ कि यहाँ पर लाइन नंबर फाइव में आपने राइट फंक्शन यूज किया है, और राइट फंक्शन में आपने किसको राइट करवाया है? वी आर नेम। वी आर नेम में क्या स्टोर है? राहुल सेंथिया। तो आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है बेटा? राहुल सेंथिया। इज इट क्लियर? वेरी गुड। सर, पर शायद हमने ये कोड नहीं किया था ना लास्ट टाइम, हमने तो कुछ और किया था ना, करेक्ट पासवर्ड और रॉन्ग पासवर्ड। हाँ सर, ये किया था लेकिन नहीं सर, हाँ, कोई दिक्कत नहीं ये है, नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भी कर सकते हो। और ये हम यहाँ पे अभी क्या एक ही एग्जांपल होता है क्या लाइफ में, या प्रोग्रामिंग में सीखने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं? अभी मेरे सामने ये वाला एग्जाम्पल ओपन था, मैंने आपको ये वाला करा दिया, बट ये भी काफी, इससे आपके लॉजिक क्लियर होंगे। धीरे धीरे ही तो आप स्विच कर पा रहे हो, और आप धीरे धीरे काफी अच्छा कर पा रहे हो। ये भी है, आपको भले ही लग रहा हो कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, बट आप इस तरीके से पढ़ते रहोगे, ये सारी चीजें अच्छे से करते रहोगे, आंसर देते रहोगे, तो ये मान लीजिए आप अच्छा कर रहे हो। आंसर नहीं दे रहे हो तो आप कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है? तो अभी देखो, लाइन नंबर सिक्स तक सभी का क्लियर हो गया। लाइन नंबर सिक्स क्या बोल रही है मानवी? डबल स्लैश लगाए तो ये लाइन हाइड है, डबल स्लैश लगाए ना तो ये वाली लाइन हाइड है। ओके, अगर हाइड नहीं होती तो एक्स प्लस बाई को प्रिंट कर रही होती, बट यहाँ पे बाई है ही नहीं, कहीं बाई भी हाइड है और ये वाले भी लाइन लाइन हाइड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लाइन नंबर सेवन को बताएंगे आराध्य शर्मा। बताओ, कैमरा ऑन करो फालो पहले तो फास्ट, क्योंकि आपकी अटेंडेंस वगैरह होती है ना प्रॉपर। ओके आराध्या, आराध्या को मैं निकाल दूं अभी, अभी वैसे कोई आया तो था, मैंने देखा तो ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे वो आया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, लाइन नंबर सेवन सभी को समझ में आ रहा है? लाइन नंबर सेवन में क्या हो रहा है? सर वेरिएबल, सर वाई की वैल्यू डिक्लेयर कर दी सर 12।
ओके डिक्लेयर और डिफाइन दोनों कर दिया, एक ही साथ कर दिया है उसमें, वैल्यू भी दे दी है, असाइन भी कर दिया है और डिक्लेयर भी किया है, दोनों चीज एक साथ है। लाइन नंबर 8 में सभी कोई भी बता सकता, इसमें टी कर दिया और लाइन नंबर 9 में हमने दोनों को क्या कर दिया, एड एड करके प्रिंट करा दिया। वेरी गुड, ओके इतना सभी को क्लियर हो गया। ठीक है सर, मेरे को एक क्वेश्चन है सर। हाँ बताओ क्या क्वेश्चन है आपको। सर जैसे जो वेरिएबल वाई है सर, अगर हम इसमें सर अपनी वैल्यू लिखेंगे तो सर अपन ने जो कोड में भी लिखा है जैसे 12, तो सर अपनी वैल्यू के साथ 12 ऐड हो जाएगा। लाइन नंबर किसके थ्रू सर? वो जो 3 है उसमें वो अपन से एंटर सेकंड नंबर मांग रहा है, तो सर जब हम कोई भी नंबर लिखेंगे तो सर वो 12 के साथ ऐड हो जाएगा। ये वाला लाइन तो आपको हाइड है, इसका तो अभी क्या ये चली गई नहीं इस प्रोग्राम में, ये वाला लाइन आपने क्या कर दिया, इसको हाइड कर दिया इस प्रोग्राम में। ठीक है, ये वाला लाइन तो आपको लाइन नंबर 3 तो चलेगा नहीं, आप क्या बोलने वाले हो, ये वाली लाइन बोलने वाले हो लाइन नंबर 9, इनमें दोनों बाय और टी ऐड होके आएगा और लाइन नंबर 6 भी नहीं चलने वाला। अगर लाइन नंबर 6 चल जाता तो क्या होता, x प्लस y की वैल्यू यहाँ पे ऐड होके आती, x की वैल्यू तो है तो हाइड है ना। अब वो तो दोनों हाइड है। निकुंज यही बोलने चाह रहे हो आप, हाइड करने के लिए आप स्लैश लगा देते हैं, डबल स्लैश यूज करोगे तो वो हाइड हो जाती है लाइन। ओके अगर देखो इसको मैं अभी ओपन कर देता हूँ तो ये बोलेगा एंटर सेकंड नंबर, इसको मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, तो अभी देखो मैं रीसेट करने के बाद इसको रन कर रहा हूँ, तो अपने एंटर ऑफ सेकंड नंबर बोला, मैंने 12 पास कर दिया, तो ये इस तरीके से आ रहा है। ओके, अब मैंने लाइन नंबर 6 में 6 को भी क्या कर देता हूँ, अभी हटा देता हूँ इसको और इसको मैं रन करूंगा, तो अभी देखो एंटर ऑफ सेकंड नंबर 12 आया और 12 ने इसको क्या किया बेटा, 6 में क्या हो रहा है, एक्स प्लस बाय हो रहा है, तो एक्स के अंदर क्या था 25 और y के अंदर क्या था 12, आपने प्रेस किया था 12 आपने प्रेस किया था 12 प्लस 25 दोनों ऐड होके क्या आया 37 आया। इज इट क्लियर? यस सर। ओके 32 क्यों आया है, लाइन नंबर 9 की वजह से, लाइन नंबर 9। ओके ओजस बताएगा राहुल सेंतिया किस वाली लाइन की वजह से आया है। सर यार लाइन नंबर 4 की वजह से। लाइन नंबर 4 की वजह से क्या है, लाइन नंबर 5 है ना राइट फंक्शन पे। हां सर सॉरी, वो प्रिंट उस वाले पे हुआ है पर सर स्ट्रिंग उस वाले में दी गई है 4। हां क्या मैं लाइन नंबर 5 हटा दूंगा तो राहुल सेंथिया आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, राइट नहीं होगा। ओके वेरी गुड, तो इतना क्लियर हो गया आपका। तो अभी मैं इस प्रोग्राम को हटा देता हूं, सभी को बिल्कुल एकदम क्लीन कर देता हूं, यहां तक कर देता हूं। ठीक है, ओके अभी मैं बता रहा हूं आपको आपकी एलिजिबिलिटी, अगर आप एलिजिबल हो गेम खेलने के लिए या नहीं। अब एक आपको एक प्रोग्राम राइट करना है, राइट अ प्रोग्राम। ओके वो चेक क्या करेगा, वो प्रोग्राम आप राइट करोगे वो चेक करेगा आर यू आर एलिजिबल और नॉट, किसके लिए, गेम के लिए। तो अगर आपकी एज 12 से कम है तो आप गेम के लिए क्या नहीं हो, एलिजिबल नहीं हो, गेम नहीं खेल सकते उसके लिए, आपको क्या आएगा सॉरी। ओके योर एज इज नॉट अबव 12, सॉरी करके आप मैसेज दे सकते हो। BGMI में आए आर यू 18 प्लस, हाँ आर यू 18 प्लस तभी आपका क्या होगा, आप प्ले कर सकते हो, अदरवाइज क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो आपको पता है डिसीजन मेकिंग किसके थ्रू बनाते हैं, हम डिसीजन मेकिंग बना करते हैं हम किसके थ्रू, कंडीशन इफ कंडीशन। ओके वेरी गुड, मैं अभी आपके फोल्डर में ओपन करता हूँ क्लास 9th, नहीं सॉरी क्लास कौन सा है आपको, 6 सर 7 7 7 फिर भी मैंने 6 में डाल दिया आपको, क्लास 6 में सेम रहता है ना। ओके ये देखो यहाँ पर आपको जैसे कंडीशनल कंस्ट्रक्ट बोलते हैं, इफ एल्स को क्या बोलते हैं बेटा, इफ एल्स स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं हम, कंडीशनल कंस्ट्रक्ट बोलते हैं। तो इसका इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है क्या, डिसीजन मेकिंग के लिए। किसके लिए होता है इसका यूज बेटा, सर आपने बोला था कि सर आप ये ग्रुप पे भेज देंगे पर आपने भेजी नहीं। ओके शायद मैं भूल गया हूँ, बट अभी 100% सर आप भेज दीजिएगा ग्रुप पे। हाँ 100% आप कैन यू ओपन योर कैमरा। ओके मेरा कैमरा ओपन की बोल रहे हो, ठीक है मैं भी अपना कैमरा ओपन कर सकता हूँ, दिख रहा है ना प्रॉपर? यस सर, थोड़ा सा मेरा कैमरा ज्यादा अच्छा नहीं है बट फिर भी ठीक है सर। पर कंप्यूटर के कैमरे सर सब ऐसे ही आते हैं सर, सबके कैमरे फोन के ही अच्छे होते हैं बस, मोबाइल में थोड़ा बहुत ही ब्लर हो जाता है। ओके तो इतना क्लियर हो रहा है आपको जो मैं बता रहा हूँ। यस सर, कंडीशनल कंस्ट्रक्ट का यूज क्यों करते हैं हम, डिसीजन मेकिंग के लिए। ओके तो यहाँ पे हम डिसीजन लेने वाले हैं, जैसे देखो ये बहुत सारे एग्जांपल भी दिए हुए हैं मैंने यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के,
एक एग्जांपल दिख रहा है, ठीक है, इसके बाद और भी एग्जांपल दिख रहे हैं, बट अभी हम एक नया एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, किसमें आपका न्यू एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, इसमें मैंने न्यू एग्जांपल लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, वेरिएबल बना लिया मैंने, वेरिएबल, यस बोलो बेटा, वेरिएबल्स का नाम मैंने क्या रखा बेटा, एज, क्या रख दिया, ओके, एज आप क्या कीबोर्ड से लेना चाह रहे हो या फिर आप हार्ड कोडेड वैल्यू देना चाह रहे हो, बताओ क्या लेना चाह रहे हो, हार्ड कोडेड, पहले हार्ड कोडेड दे देता हूँ मैं, 5 फिक्स कर देता हूँ, ओके, फिर अभी चेंज कर लेंगे, राइट। चेंज करने के लिए क्या है, प्रॉम्प्ट नाम लगाना है, बस हो जाएगा, आप कीबोर्ड से एंटर कर सकते हो। बट यहाँ पे एक कंडीशन जो मैं बोल रहा हूँ, ये सिंटैक्स स्लैश लगाया है ना, स्लैश कहाँ पे लगाया है, लास्ट में सेमी कॉलन है, वो 5 के बाद कुछ सेमी कॉलन है, ओके। देखो सबसे पहले आप इसका सिंटैक्स देख लीजिए, यहाँ पे मैंने सिंटैक्स टाइप किया हुआ है। सिंटैक्स क्या होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, जो ब्लॉक होते हैं इफ एल्स, उसका सिंटैक्स क्या होता है, इफ, इफ के बाद ये पैरेंथेसिस होते हैं, यहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं कंडीशन कि ये क्या है आपका, अगर ट्रू कंडीशन हो जाएगी तो ये चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या चलेगा बेटा, ये चलेगा, ये डिसीजन है। डिसीजन क्या है यहाँ पे, अगर ट्रू हो जाता है हमारा जो कंडीशन तो हमारा चलेगा लाइन नंबर 2, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका चलेगा लाइन नंबर 4। इज इट क्लियर, यस सर, ओके। अभी हम यही सारी चीजें प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक आपको एक एज नाम से मैंने क्या बनाया था, ये वेरिएबल बनाया था, ये अगर क्या है आपका लेस देन 12 है, क्या है बेटा, लेस देन 12, वेरी गुड। तो अभी देखो यहाँ पे मैं इफ की बॉडी बनाऊंगा, किसकी बॉडी बनाऊंगा, ये इफ की बॉडी है, किसकी बॉडी है बेटा, इफ की बॉडी, हाँ, मतलब आपने आपका जो इफ है, इफ कंडीशन, वो आपका लाइन नंबर 2 से स्टार्ट हुआ है और लाइन नंबर 5 तक चल रहा है, मतलब ये ओपन किससे होता है, कर्ली ब्रैकेट से, क्लोज किससे होता है, कर्ली ब्रैकेट से। तो आपको इतना क्लियर हुआ ये क्या है, बॉडी है, किसकी, इफ स्टेटमेंट की। यहाँ पर मैं मैसेज डाल सकता हूँ, मैसेज किसके थ्रू डाल सकता हूँ, राइट फंक्शन के थ्रू डाल सकता हूँ, ओके, राइट फंक्शन के थ्रू मैंने इसमें मैसेज डाला, मैसेज क्या डाल सकता हूँ बताओ मुझे, बताओ मैसेज क्या, यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल, मैं सॉरी बोल देता हूँ, ओनली यू आर नॉट एलिजिबल टू प्ले, ठीक है, सॉरी सर, कल आप मेरे को दिखे थे सेंटर पर, हाँ, वेरी गुड, यू आर नॉट अबव 10, 10 या 12, कोई जगह सर हम 5 ले रहे हैं और किसी जगह हमने कंपैरिजन 12 से कर दिया और हम लिख रहे हैं कि 10, बट अभी हमने हार्ड कोडेड बोला था ना किसी ने, तो हार्ड कोडेड कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे, कोई लेना देना नहीं, हाँ वो आप ले सकते हो, बट अभी आपको दोनों चीजें चेंज करके मैं बताऊंगा आपके, ओके। तो अभी आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो, देन ये यहाँ पे करने के बाद ये तो हो गया, कौन सा वाला पार्ट बेटा आपका, इफ वाला पार्ट हो गया। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कौन सा वाला पार्ट चलेगा बेटा आपका, एल्स वाला पार्ट चलेगा। एल्स वाले पार्ट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, फिर से मैंने बॉडी बनाया एल्स पार्ट के लिए, कर्ली ब्रैकेट ऑन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहाँ पे लाइन नंबर 7 में कर्ली ब्रैकेट क्या हुआ है बेटा, ओपन हुआ है, और लाइन नंबर 10 जैसे एक रिक्वेस्ट है सर, मैं सर प्लीज, क्या है रिक्वेस्ट बताओ सर, मेरे को उससे मांगनी है सर एक चीज सर, वो लिंक है ना सर, ओके, अभी थोड़ी देर बाद जैसे हमारा कंप्लीट होता है वर्क उसके बाद, ओके, तब तक कैसे करूंगा सर, ठीक है, मैसेज कर देना। मैंने यहाँ पर राइट फंक्शन यूज किया और राइट फंक्शन में मैंने क्या बोल रहा हूँ, अगर आप, हाँ, राइट फंक्शन में क्या बोल सकता हूँ बताओ, प्ले गेम बोल सकता हूँ, बी रेड नहीं, स्टार्ट गेम सर, हाँ बोल सकते हो, हाँ, यू आर एलिजिबल टू प्ले, या फिर कुछ भी बोल सकता हूँ, प्ले द गेम बोल सकता हूँ, ये मैंने मैसेज किया सिंपल था, ठीक है। ये मैसेज करने के बाद सिंपल मैं अभी क्या कर रहा हूं, वेरिएबल एज को 0 ले सकते थे, उसके बाद हम प्रॉम्प्ट नेम कर सकते थे, चलो वो भी कर सकते हैं, हम सारी चीजें कर लेंगे। अभी देखो, अब मैं रन कर रहा हूँ, तो इसने क्या बोल दिया, सॉरी यू आर नॉट अबव 12, क्या बोला उसने, सॉरी योर एज, ठीक है, सॉरी यू आर नॉट अबव 12, तो आपने सिंपल सा यह है, अभी यहाँ पे मैं 15 कर देता हूँ, अभी हार्ड कोडेड वैल्यू थी 5, तो वो कंपेयर हुई होगी, अभी मैंने यहाँ पे 15 किया, 15 करने के बाद मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो उसने क्या बोला, प्ले द गेम, इतना क्लियर हो रहा है, ओके। इसको अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट से लेना है तो यहाँ पे क्या टाइप करोगे, प्रॉम्प्ट नम, और प्रॉम्प्ट नंबर में आप क्या करोगे,
एंटर योर एज यहाँ पे मैसेज डाल सकते हो. क्या डाल सकते हो मैसेज? एंटर योर एज सर. ठीक है, वेरी गुड. एंटर योर एज आपने यहाँ पे मैसेज डाल दिया और ये क्या हो गया आपका. अभी मैं इसको रन करूंगा तो क्या बोलेगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे आया एंटर योर एज. मैंने यहाँ पे 9 डाला, ओके किया तो उसने बोल दिया सॉरी यू आर नॉट अबव 12. यहाँ पे मैं अगर क्या करता हूँ 15 वगैरह 12 डालता हूँ यहाँ पे, तो 12 डालूंगा तो तब भी गलत बताएगा उसमें. इसीलिए आप यहाँ पे एक और चीज ऐड कर सकते हो, इक्वल भी लगा सकते हो. आप 12 से बड़े हो गए जैसे 13 होते हो देन तभी आपको क्या बोलेगा क्लियर लगे. तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग समझ में आ रही है आपको प्रॉपर? Yes, कर पा रहे हो ना? Yes, sir, आ रही है. आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने प्रोग्राम में? Yes, sir. Okay, very good. तो आपको मैं आपको ये सीट दे दूंगा, इन सीट्स को आप ले लेना और इनको थोड़ा बहुत थ्योरी पार्ट को पढ़ना. ओके okay? और बताओ कैनवास सर प्लीज इसे हटाइएगा नहीं सर मैं भी code.org में लॉगिन कर दूंगा. ओके ओके ठीक है, मैं भी हटा नहीं रहा. आप इसको बनाइए इस प्रोग्राम को और आप बना के मुझे शो कराइए अपनी अपनी स्क्रीन पे. डू फास्ट. सर यही चीज बनानी है? हाँ यही बना लीजिए, आप कुछ भी बना सकते हो आप. सर मैंने बना लिया सर, मैं दिखा दूं. हाँ वन बाय वन आप अपनी कैमरा ऑन कर लेना, मैं सबके देख लूंगा. बट अभी बनाने रह दीजिए, मैं फिर आपको 5 मिनट दे रहा हूँ. मेरी वो एल्स वाली लाइन को एरर दिखा रहा है. ओके एरर दिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 5 मिनट में सही कीजिए. अगर आपका नहीं होता है फिर मैं आपको सही करवा दूंगा. राइट आपने वार एज प्रॉम्प्ट नंबर यूज कर लिया है? हाँ आप भी कर सकते हो. वो मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि यूजर से इनपुट देना, वो पूछेगा एंटर योर एज. अगर 12 करेंगे तो भी सर वो बोलेगा ना प्ले द गेम? 12 करोगे तो नहीं बोलेगा. तो 12 करोगे तो एज तुम्हारा क्या होना चाहिए, लेस देन 12 होना चाहिए. तो देख लेना एक बार ट्राई करना. सर मैं अपने सीक्रेट वर्ड्स डाल रहा हूं तो सर वो बता रहा है कि इनवैलिड लॉगिन. किसका? निकुंज का. सर ज्योतिर्मय. 12 पे भी वो क्या कह रहा, प्लेट चेक नहीं, ज्योतिर्मय का प्रॉब्लम कर रहा है. ज्योतिर्मय. यस सर. तो ठीक है ज्योतिर्मय. हाँ आप मुझे मैसेज कर देना. सर मैं तो अभी उस अकाउंट पे नहीं कर रहा. सर मेरा वो सर एल्स वाली रेड से हड्डी नहीं रहा है सर वो. वेट वेट बस सर आप देख लीजिए क्यों. ओके सभी का हो गया, मैंने टाइम दिया था वो. सर प्लीज सर वो तो गया बट सर वो नहीं हो रहा एल्स वाले. हाँ आप कीजिए, अभी 2 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ. ठीक है ज्योतिर्मय का मैं पासवर्ड सेंड कर देता हूँ ज्योतिर्मय की व्हाट्सएप पे. ओके ज्योतिर्मय. सर आप डायरेक्ट मैसेज पर भी भेज सकते हैं उसको अभी. हाँ डायरेक्ट मैसेज भी कर सकता हूँ. ओके तो अभी ज्योतिर्मय क्या करेगा, मुझे ज्योतिर्मय हेलो भेजना बेटा अपनी साइड से. सर व्हाट्सएप. व्हाट्सएप पे हेलो भेजो ना मुझे अपने मोबाइल से, मैं आपको आपका सीक्रेट पासवर्ड सेंड कर देता हूँ. गौरव बेटा बनाओ, मैं अभी आपकी स्क्रीन पर देखने वाला हूँ. भेज दिया. ठीक है कोई दिक्कत नहीं. सर हाँ बोलो. सर वो मैंने गेम बना लिया था सर, उस गेम का करना क्या है देन? ओके उसका मुझे लिंक शेयर कर देना तो मैं चेक कर लूंगा. ओके बेटा गेम क्या आपने कोई एक्स्ट्रा शूटर वाला वो और डिफेंडर. अच्छा वो
सर मेरे को पता नहीं था उसका क्या करना है, बस बना के रख लिया। ठीक है, बना के रख लिया है तो मैं आपके अपने आईडी से बनाया ना, इसी वाली से आईडी से जो मैंने आपको दी है। यस सर, मैंने इसी से बनाया है। तो ठीक है, मैं चेक कर लूंगा फिर, तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो मैं चेक ही कर लेता हूँ। ठीक है सर, मैंने अपना बना लिया सर, उसके बाद मैंने उसके अंदर ही आपने जो डाला था ना, जो अलग अलग चीज डाली थी वो देखकर डाल दी। सर आपका मुझे वो साउंड नहीं मिल रहा जो आपने अपने प्रोग्राम में यूज किया ना साउंड, वो नहीं मिल रहा सर। आउटबैक आउटबैक वो ये बता देगा, राइट? वो आपने पूरे 1:14 का लिया बट है पावर। सर मेरा हो गया सर, मैं दिखाऊं? ओके सर, मेरा बस एल शट गया। ठीक है, सभी हो गया। ठीक है, अभी सबसे अभी मैं देख लेता हूँ। ओके, अभी आप कैमरे से बताइए। लिख तो दिया है पर सर वो सब जगह रॉन्ग रेड कलर आ रहा है सर। तुमने वो लगा है, मेरा देख लीजिए सर। हाँ शुभ बताइए, शुभ शुभ बता रहा है सबसे पहले। शुभ फिर उसके बाद नैवेद बन गया ना शुभ सर, मेरा बन गया सर, मेरा देख लीजिएगा। यस सर, मैंने रीजन दिया था पहले, मेरा देख लीजिए सर। ओके ओके सर, मेरा देखना सर, आप मेरा बोला था पहले शुभ को, तो सबका देख लो अपने पास काफी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं सर। आपको दिख रहा है सर? हाँ, आपने क्या बोला है? ठीक है, प्ले गेम फिर रन करना बेटा इसको। सर मैंने इसमें वो बोलने का भी लगाया सर, जैसे सर मैंने लिखा सर 6। सॉरी सर। ओके ठीक है, और सर अगर मैं सर 13 डाल तो सर प्ले स्पीच लगा दिया आपने। ठीक है, और सर वो बोल प्ले स्पीच क्या होता है वो आप मत लगाओ, वो एक्स्ट्रा करता है, सो हमेशा यूनिक बनाता है तो ये चीज। ठीक है, ओके ठीक है, सो अच्छा मेरे को पता नहीं था लगा सकते हो ना, मैं भी लगा दूंगा। ठीक है, अभी इसको तुमने शायद मुझे स्क्रीन शेयर साउंड नहीं किया इसलिए उसका वो जो बोल रहा है वो सुनाई। ठीक है, अभी और किसका शुभ के अलावा? नैवेद बन गया मेरा, बन तो गया सर बट वो एल्स वाली लाइन नहीं हो रही। ठीक है, और किसी का कंप्लीट हुआ? मेरा देख रहे हैं मुझे, किसका हुआ है? श्रेयस। श्रेयस दिखाओ फास्ट। जो जो आप अपने शेयर करा रहे हो ना वो अपने हाथ को रेज कर लेना जिससे पता चले। रेड बन के आ रहा है। हाँ। ठीक है, श्रेयस के बाद मैं सभी का देख रहा हूँ वन बाई वन। ओके वेरी गुड, 13 पे क्या बोलेगा वो? ठीक है, 13 पे बोलेगा प्ले द गेम। ठीक है वेरी गुड, उसके बाद वही बोलेगा गुड। 6 डाल के चेक करना, 11। ठीक है, 11 पे बोल रहा है, सॉरी, वेरी गुड। अभी स्टॉप कीजिए फास्ट, उसके बाद कौन शेयर कर रहा है? अपने पे हैंड को रेज कर लीजिए जिससे मुझे पता चले आपने किया होगा। सर मेरा बस वो एल्स वाला हट, ओजस का हो गया, वेरी गुड। ओजस का तो चलेगा ही नहीं सर, रेड ही है। ओजस को नहीं चलेगा तो मैं चलवाऊंगा ना। ओजस सर उसने वो स्ट्रिंग्स नहीं लगाए सर, वो कॉमास वगैरह। ओके ओजस, आपका लाइन नंबर 2 में एरर है, जो आपने सेमी कॉलन लगा दिया है, हटाओ लाइन नंबर 2 से सेमी कॉलन। वेरी गुड, हटा दिया। इसके बाद आपने क्या किया है? स्ट्रिंग लगानी पड़ेगी, यहाँ पे डबल कोट लगाना है। ठीक है, डबल कोट कीजिए, डबल कोट, वेरी गुड। लास्ट में प्ले के बाद, ओके वेरी गुड, लास्ट में भी आपको यही करना, राइट करना है और ये करना है। सर मेरा अभी देख लीजिए, ऐसे ही मेरा आ रहा है सर। ओके वेरी गुड, ठीक हो गया, आप मेरा भी देख। हाँ ठीक है, अपने अब जिन जिन का प्रॉपर वर्क कर रहा है वो अपने अपने हैंड को रेज कर दीजिए जिससे मुझे समझ में आ जाए कि हाँ उनका हो रहा है, और जिनका नहीं हो रहा है वो अपने हैंड को रेज नहीं करना। सर पर अभी भी रन करो सर, एक सेकंड स्ट्रिंग डबल कोट लगा दो ना। हाँ डबल कोट कर दोगे तो एज अ स्ट्रिंग कंसीडर होगा। वेरी गुड, यहाँ ये लगा, हाँ लगा दो सेमी कॉलम लगा। ठीक है, रन किया, रन करने पे क्या हो रहा है अभी भी? ओके, अब तो प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर आ रहा है। सर पर मैंने उल्टा बनाया। 12 करने पे क्या हो रहा है आपका? ठीक है, सही तो बोल रहा है। ठीक है, 12 से कम करना। सर उसने ऐसा लिखा है कि एज अगर 12 से ज्यादा होगी तब। ओके ओके, 12 से ज्यादा होगी तो बोलेगा यू आर एलिजिबल टू प्ले। ओके, और 12 से कम होगा तो ठीक है,
12 से कम करो ना, प्ले द गेम। नहीं नहीं अरे सर गलती से उल्टा लिख दिया। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है आपका कंसेप्ट समझना था मुझे, कंसेप्ट प्रॉपर हो गया, अब हटा दो स्क्रीन हटा दो। सर ये मैंने वैसे उल्टा बनाया था। हां सही बनाया सर, मेरा रेड आ रहा है। बस निकुंज का देखना है मुझे, अभी हटाओ जल्दी फास्ट ना, मेरा सर जो है वर्क नहीं कर रहा है सर। सर मैंने सर मेरा हो गया सर, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? नहीं नहीं पहले निकुंज फिर उसके बाद वशिष्ठ। निकुंज कीजिए फास्ट स्क्रीन शेयर। सर मेरे पास दो तीन कोड और रह गए हैं, फिर उसके बाद मैं कर रहा हूँ। वशिष्ठ करो अपनी स्क्रीन शेयर। सर मेरा ये रेड आ रहा है। तो लाइन नंबर टू देखो क्या होता है। अरे तुम कर्ली ब्रैकेट लगाओ, तुम वैसे वाले ब्रैकेट क्यों लगा रहे हो हर जगह? ठीक है आप पहले लाइन नंबर टू से वो हटाइए सेमी कॉलन, लाइन नंबर टू में लास्ट में सेमी कॉलन लगा हुआ है। ठीक है अभी यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाओगे लाइन नंबर तीन में, उसको हटाओगे पेरेंथेसिस को। कर्ली ब्रैकेट ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लाइन नंबर फाइव में। ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है ना सर, ये स्क्वायर ब्रैकेट सर ये किसी भी कोड में नहीं लगा सकते ना। हाँ उसका यूज होता है, मैं बताऊंगा क्यों। उसका यूज भी होता है, वो भी यूज होता है, बट मैं बताऊंगा। पर मैंने तो देखा है कि सर एक में एरर कर गया था सर, किया था तो सर इसमें शायद कोड डॉट ओआरजी में। हाँ वेरी गुड। ठीक है अपनी स्क्रीन स्टॉप कर दीजिए अब। कंडीशन प्रॉपर जाने सर किसी गेम में था। हाँ वो सर मैं करूं। हाँ नैवेद का तो हो गया ना, इनका नैवेद का हो गया, शुभ का हो गया, ओजस का। मैंने नहीं दिखाया। ओके ठीक है दिखा सकते हो, अगर बंद गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दिखा सकते हो। इसके बाद मैं मानवी से बोलूंगा। मानवी बेटा रेडी है? मेरा भी बन रहा है। हाँ बनाओ मानवी। मानवी से पहले प्रद्युम, ये तो सही बन रहा है, चल रहा है। सर मेरा नहीं बना। प्रॉपर है आपका, नहीं बना तो मैं अभी बता रहा हूँ। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए मेरे साथ। शाश्वत का कंप्लीट है, प्रॉपर वर्क कर रहा है? हाँ सर मेरा तो कर रहा है वर्क। ओके मानवी। गौरव, गौरव सर प्ले स्पीच कैसे यूज करना है वो अभी मत क्वेश्चन, वो अभी मैं बात बताऊंगा। हाँ गौरव बताओ फास्ट, शो कर रही है अपनी स्क्रीन। सर मेरा वर्क नहीं कर रहा सर, उसमें सर वो कोड तो हो गया पर सर जब 12 से ऊपर डालते हैं तो सर बोल रहा है सर यू आर बिलो 12। ओके तो आपने वो ग्रेटर देन और लेस देन का साइन सही से चेक करो ना, उसको उल्टा कर दीजिए जो अभी आ रहा है उसको। ओके हाँ आराध्या बेटा बताओ, आराध्या प्रॉपर आ रहा है आपका आउटपुट? यस सर। ओके शेयर कराओ अपनी स्क्रीन फास्ट। यस स्क्रीन शेयर कैसे करें? आप लैपटॉप से कनेक्ट हो ना तो उसमें जाके आप कीजिए शेयर स्क्रीन, शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा होगा उस पर क्लिक कीजिए। शेयर स्क्रीन ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और फर्स्ट वाले को क्लिक कर दीजिए। लैपटॉप से हो कनेक्ट प्रॉपर के फोन से हो? यस सर। तो आप उसमें शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दिख रहा है नीचे? ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, ग्रीन ग्रीन कलर का शेयर शेयर स्क्रीन। सर मोबाइल में तो सर मुझसे कभी जिंदगी में नहीं हुआ सर शेयर। सर जाने सर मोबाइल में सर डिस्प्ले और अदर ऐप्स बताता सर। ओके ओके अभी देखो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है, उनका भी मैं मुझे कंप्लीट करवाना है। गौरव स्क्रीन शेयर करो फास्ट बेटा। गौरव, समीर, रितमान और श्लोक। हर्षवर्धन हो गया बेटा आपका? नहीं हुआ सर। हर्षवर्धन नहीं हुआ, क्या दिक्कत आ रही है? पर मैं दिखा सकता हूँ मेरा हो गया अच्छे से। हाँ वो मुझे पता है, शाश्वत का हो गया, हर्षवर्धन का हो गया, नहीं हुआ ना ज्योतिर्मय का? ज्योतिर्मय पर मैं दिखाऊं आपका हो गया, जिनका नहीं हुआ है उनसे देखना है मुझे। मानवी कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ तो अपनी स्क्रीन शेयर करा दीजिए, मैं आपको करवा देता हूँ। कोड तो समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा कैसे बन रहा है, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। सर मेरा सर आप बता दीजिए कैसे करना है। फोन पे भी कोडिंग के ऐप आते हैं ना सर? हाँ सर फोन पे भी कोडिंग के ऐप्स आते हैं ना। हाँ हाँ आप अपनी स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहे हो मानवी। यहाँ पे एक ग्रीन कलर का बटन दिख रहा है शेयर स्क्रीन, उस पर क्लिक कीजिए।
उसके बाद आप टॉप पे जाके क्लिक कर दिए, बॉक्स बन के आ रहे होंगे, पहले वाले बॉक्स में क्लिक कर दीजिए। वो शायद फोन से है। फोन से हो मानवी? तो नीचे जाओ, उसमें नीचे स्क्रॉल डाउन करो। कोई दिक्कत नहीं, फोन से नहीं हो पाएगा। अभी आ रहा होगा स्क्रीन, स्क्रॉल करके स्क्रीन आ रहा होगा। बेटा आप करो फास्ट, शेयर करो स्क्रीन, शेयर करो, शेयर स्क्रीन के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अरे बीच में शेयर स्क्रीन ऑप्शन आ रहा होगा। सर मेरे में भी, सर मैंने प्ले स्पीच यूज करके देखा सर, आ रहा है। हाँ सभी का आता है सर। मैं करूं? आप कीजिए ना फास्ट, जो जितने भी नीचे की रोज के सारे स्टूडेंट बचे हुए हैं, गौरव, श्लोक, फास्ट स्क्रीन शेयर करो। रितवान नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे बताओ तो कि नहीं आ रहा तो मैं उसको फिर से रिपीट करूंगा। सर मेरा नहीं हो रहा है सर, साइन सर मेरे में पता नहीं, सब में रेड रेड एरर आ रहा है। रेड रेड एरर निकुंज के में आ रहा है। निकुंज ओपन करो स्क्रीन। सर आप एक बार रिपीट कर दोगे सर? हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं आपका बशिष्ठपाल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, निकुंज के में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। निकुंज के में सभी स्टूडेंट एक बार चेक कर लीजिए। ओके निकुंज, आपने बनाया क्या? वी आर एज इक्वल प्रॉम्प्ट, ओके एंटर योर एज। वो नहीं लगा सर, फर्स्ट वाली लाइन में, फर्स्ट वाली लाइन में जाइए, प्रॉम्प्ट नम कीजिए पहले उसको, प्रॉम्प्ट को लाइन नंबर फर्स्ट में जाइए, लाइन नंबर फर्स्ट में क्लिक कीजिए, सभी का हो जाएगा। एक बार इसको चेक कर लीजिए, प्रॉम्प्ट नम कीजिए पहले उसको, प्रॉम्प्ट के बाद नम कर दीजिए, कैपिटल एन, ये नीचे क्लिक कर दीजिए, इसको क्लिक कर दो, ओके नम हो गया, वेरी गुड। डबल कोट के अंदर डालो एंटर योर एज फास्ट, डबल कोट के अंदर रखना है आपको एंटर योर एज, जो एंटर योर एज है ना वो डबल कोट के अंदर रखना है यहाँ से। सर वो क्या बोलते हैं सर, ये जो वो आया है ब्रैकेट टाइप का, मैंने उसमें डाल दिया एंटर योर एज। हाँ उसमें डबल कोट, जानते हो ना डबल कोट, ये वाला आप इसमें देखोगे एंटर के साइड में है, एंटर के साइड में। मेरे पास ये स्क्रीनशॉट है तो उसके अंदर ये डॉट डॉट टाइप के ना, डबल कोट नहीं जान रहे आप, ठीक है। पहले मेरा स्क्रीन देखिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन को स्टॉप कीजिए, पहले आप मेरे कोड को एक बार देख लीजिए, सभी देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। ये देखो ये डबल कोट दिख रहा है ना आपको, एंटर योर एज, जो मैंने स्ट्रिंग बनाया हुआ है यहाँ पे टाइप किया हुआ है एंटर योर एज, तो इसके साइड में ये दिख रहा है, ये आपके क्या है, डबल कोट है। हाँ तो इसमें आपको रखना है वो, ठीक है। अगली वाली लाइन में इफ कंडीशन लगाना है, उसमें आपने ये वेरिएबल आपका एज है, अगर वो लेस देन 12 है तो क्या बोलेगा, सॉरी यू आर नॉट अबव 12, ये इसकी बॉडी है लाइन नंबर 2 से लेके 5 तक। सेकंड में एल्स पार्ट में आप देखोगे, एल्स पार्ट में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप 12 से अबव हो तो आपको परमिशन मिल जाएगा प्ले द गेम में। कितना क्लियर हो रहा है? अब बन पा रहा है निकुंज? यस सर, बस मैं वो डबल कोड लगा रहा हूं। ओके ओके ठीक है, निकुंज का हो गया, तो बाकी के मानवी भी करेगी। आराध्या बेटा स्क्रीन शेयर करना, स्क्रीन शेयर करो आप आराध्या। सर मेरा देख लीजिए सर, उल्टा हो रहा है सर। किसका उल्टा हो रहा है? सर वशिष्ठ का। चलो शेयर करो अपनी स्क्रीन। सर ऐसे मैंने सर यहाँ पर सर एंटर योर एज में सर अगर मैं 13 करो यहाँ पे। सर मैंने 18 डाला है। ओके आपने 18 डाला है। एज में सर गलत कर दिया सर उसने। ओके 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 हां राइट। नहीं नहीं आपने लाइन, एक मिनट, लाइन नंबर 2 में डबल कोट हटाइए फास्ट। सर हटाना है? हटाओ ये दोनों कोट्स लाइन नंबर, ठीक है ये हटाओ। अब प्रॉपर वर्क करेगा ना, अब रन करो। अगर आप 18 प्लस करोगे तो बोलेगा करो, पहले आप 18 एरर बता रहा है सर। एरर कहां पे बता रहा है? ओके ओके एज आया 18, ईयर क्यों लगाया है बेटा, ईयर क्यों लगाया है, न्यूमेरिक वैल्यू देना है। ओके बस बस ओके रन करो, इसमें कुछ नहीं लगा ना, यहाँ पे कुछ नहीं लगाना, 18 इंटीजर नंबर होता है बेटा। तो उसके साइन चेंज करो ना, साइन साइन उसको लेस, हाँ साइन चेंज कर दो, ठीक है। अभी अगर ये लेस देन 18 होगा तो सॉरी बोलेगा, अदरवाइज प्ले गेम बोल देगा।
रन कराओ, यहाँ से डिसीजन मेकिंग प्रॉपर हो रही है। हाँ तो ये तो लॉजिक लॉजिक में एरर कर रहा है, लॉजिक तो सही से बनाओ ना, वो तो उसमें मैथमेटिकल लॉजिक है ये तो। ठीक है हाँ शिशिर जाओ इसकी शेयर करो, फास्ट बनाओ, यही वाला प्रोग्राम दिया था ना बनाने के लिए। यस सर। बताओ अपनी स्क्रीन शेयर करो, बनाओ वो प्रोग्राम दिखाओ। सर हुई स्क्रीन शेयर? स्क्रीन शेयर करो शिशिर, शेयर नहीं और स्क्रीन। प्रद्युम्न बेटा आपका हो गया? नो सर। क्यों नहीं हो रहा? वेट वन बाई वन, क्या नहीं हो रहा आपका? सर आप हो रही है सर स्क्रीन शेयरिंग, स्क्रीन तो शेयर नहीं हुई ना अभी, शेयर हो जाएगी सभी को दिख जाएगी। मैं तो सर कर रहा हूँ सर, अभी तो कोई नहीं सर, वो ओके स्क्रीन शेयर नहीं हुई है किसी के भी। ठीक है गौरव सर, मैं बता सकता हूँ कैसे करते हैं स्क्रीन शेयर? नहीं मैंने कर तो दी लेकिन दिख नहीं रही ना सर। सर किसने किया? शशिर ने कहा की है बेटा स्क्रीन शेयर? तो मैंने सर कर दी सर, आपको दिख नहीं रही। स्क्रीन शेयर कीजिए, शेयर करने के बाद एक स्क्रीन वाला ऑप्शन है उसको शेयर करना है, उस पर क्लिक करना है जो ब्लू कलर का दिख रहा है। मैं रिजॉइन करता हूँ फिर शायद। सर तब तक मैं अपना दिखाऊं? सर मैंने दिखाया नहीं। दिखा दीजिए आप, दिखा दीजिए सर। डू ओके वेरी गुड। हाँ रन कीजिए, 14 डालिए, 14 ठीक है, 13 डाल दिया, गुड गुड 14 ओके करो। यू कैन प्ले द गेम सर? आई हाँ आया और मैसेज भी आ गया, यू कैन प्ले द गेम। ठीक है सर, सुनाई भी दे गया? हाँ राइट सर, मेरा दिया था क्या सुनाई? सबका सुनाई पड़ता था जिन्होंने राउंड में किया था। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप इसको क्या कीजिए अभी, ठीक है अभी आप हटा दीजिए अपना, बाकी का अदर किसी से मैं जानना चाह रहा हूँ। ठीक है काफी कम है फिर सर, मेरा देख लो एक बार। सर सर किसका देखना है? कि वीडियो बंद नहीं होनी चाहिए सर, बहुत बच्चे। सर मैंने कर दिया, निकुंज ने प्रॉपर कर दिया ना, फिर क्या है, हो गया ना, बहुत अच्छी बात है। निकुंज का तो मैंने ही करवाया था अभी थोड़ी देर पहले। यस वेरी गुड, इसमें एड 13 ओके करो। ओके वेरी गुड, हो गया सही से, हो गया आपका निकुंज का। देन निकोन्स वगैरह बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी रह गए हैं। अभी इस लोग तो कैमरा ऑन नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? सर किसी ने भी नहीं किया सर, अरिदमान ने, कुर्मी ने, शाश्वत रेंज एंड कर ले, इसका हो गया है। हाँ उनका हैंड को रेज कर दीजिए जिनका हो गया है, और जिनका नहीं हुआ है उनको मुझे वन बाय वन देख। मैंने भी प्ले स्पीच कर दिया सर, कोई दिक्कत नहीं, अपना हैंड रेज कर लीजिए। नैवेद ज्योतिर्मय आपने नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया? क्या सर मुझे प्लेस स्पीच कैसे ऐड करना है? श्रेयस अक्षना आपका हो गया तो अपना हैंड रेज करो फास्ट। हाँ समीर कौन 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 बचा है? ठीक है जिससे पता चले ना किसने नहीं कर पाया उनके मैं नेम नोट कर रहा हूँ, मैं उनको अगली क्लास में जरूर पूछूंगा। श्लोक श्लोक क्यों नहीं बन रहा है ना बेटा आपसे? यस सर बन रहा है। तो अपना स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाओ सर। प्रद्युम्न अभी भी नहीं बना बेटा आपका? सर मैं बाहर से कर रहा हूँ क्लास, तो एंड्रॉइड में है। ओके ओके मोबाइल से हो, घर पे मेरे पीसी पे। यस सर क्लास मोबाइल में है, मैंने ठीक है। तो आप ये मैं लास्ट टाइम सुन रहा हूँ, अभी आपको क्या करना है अगले टाइम से सारी चीजें करना है, या फिर मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, आप एक बार कर लेना स्क्रीनशॉट लेके भेज देना। ठीक है मानवी हो जाएगा बेटा आपका, स्क्रीनशॉट लेके भेजना है श्लोक, स्क्रीनशॉट लेके भेजना है। गौरव सर मेरा हो गया। ओके हर्षवर्धन का हो गया वेरी गुड। गौरव समीर आराध्या और रिद्मान ये इनको भी क्या करना है स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजना है। ठीक है ओके इसके अलावा और भी कुछ कराऊं मैं अभी? ठीक है अब मल्टीपल कंडीशन देना हो तो क्या कर सकते हैं बताओ, मल्टीपल कंडीशन के लिए क्या कर सकते हैं बताओ? इफ एल्स इफ। वैसे अभी मैं मल्टीपल कंडीशन नहीं बता रहा क्योंकि अभी आप बहुत चार पांच इफ एल्स इफ यूज होता है उसके लिए, बट अभी मैं वो नहीं बता रहा आपको,
अभी आपका थ्योरी पार्ट देख लीजिए, थ्योरी पार्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल एक और बता रहा हूँ, ये एग्जांपल और करना है आपको, देखिए यहाँ पे एग्जांपल। यस बोलिए बेटा साथ। हाँ निकुंज बोलो। तो वो क्या बोलते हैं, फिर मैंने फिर वो मतलब बोलने वाला जो आप नैवेद्य ने मुझे कोड सेंड किया था वो मैंने डाला था, तो फिर मतलब मेरा स्पीच आ ही नहीं रही है। ठीक है, आपकी स्पीच आ जाएगी बेटे, बट अभी इसको देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप। ये कंडीशनल कंस्ट्रक्ट इट मीन्स डिसीजन मेकिंग का एक क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बोल रहा है, ये आपको एक प्रोग्राम है राइट, क्या है ये प्रोग्राम है, इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है जैसे आपका वर्किंग आवर्स कितना है, 40 आवर्स का है, वन वीक में कितना है, सपोज आप एक जॉब कर रहे हो और आपका वर्किंग आवर्स कितने हैं आपके, 40 आवर्स। अगर आप वन वीक में 40 आवर्स से ज्यादा आप जॉब करते हो तो उसको आपको क्या शो कराना चाहिए, ओवर टाइम, क्या शो कराना चाहिए बेटा, बेटा ओवर टाइम। तो यहाँ से मैं अपने लाइन नंबर 2 में यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया है जिसका नेम क्या रखा है, क्या है इसका नेम, हावर्स वर्क, ठीक है, वेरी गुड, हावर्स वर्क मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल का नेम रखा है, और प्रॉम्प्ट नाम से मैंने इसको क्या लिया, यूजर से ले लिया, हाउ मेनी आवर्स डिड यू वर्क दिस वीक, तो आपने यहाँ पे 44 आवर्स दे दिया, आउटपुट क्या दे दिया, इनपुट में 44 आवर्स दे दिया, तो वो चेक करेगा क्या आपके आवर्स 40 से अबव हैं, यस, तो वो बोलेगा आपका योर वर्क, और यहाँ पे आपका टोटल, ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, आवर्स माइनस 40, यहाँ से आपका डिवाइड हुआ, देन आप डिवाइड होने के बाद क्या होगा बेटा, आपके टोटल नंबर ऑफ आवर्स, जैसे आपने इनपुट में कितना प्रोवाइड कराया है, 44 से माइनस हुआ 40, तो कितना बचा आपका, कितना रिमेन बचा, 4, तो 4 आवर्स को आप क्या शो करा देगा, 4 आवर्स को क्या बोल देगा बेटा, वो आपको बोलो फास्ट, 4 आवर्स को बोल देगा वो ओवर टाइम, योर कितना है, आपने कितना, सर आप सर ये बोल कर दिखा सकते हैं कि सर मेरे में एरर बता रहा है कि इट इज नॉट ए स्ट्रिंग। हां तो डबल कोट में डाल देना जो स्ट्रिंग नहीं है, तो उसको डिफरेंस सर डबल कोट में। हां अभी मैं सर डिफरेंस क्या है इसमें सर, सब पहले वाला भी तो इफ एल्स था, ये भी इफ एल्स है सर। हां तो ये सेकंड एग्जांपल है जिससे आपको थोड़े से ज्यादा एग्जांपल्स करोगे, आप एक ही तरह का एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते हो क्या मैथ में, बताओ। नो सर, मेरे को लगा है कोई और वो तो आप, हाँ, यहाँ से आपको लॉजिक बनते हैं, जैसे आपने इस मतलब अभी आप एज में लगा सकते हो, गेम में लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है, आप इस तरीके के वर्क में भी लगा सकते हो, कोई आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो जिसमें आपका कैलकुलेट हो रहा है ओवर टाइम वगैरह, तो उसमें भी ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर सकते हो उसके लिए। सर क्या कोई और आपके नाम से ऐड हुआ है क्या, शिखर जूनियर क्लासेस? नहीं कोई नहीं है शिखर जूनियर क्लासेस में, दो लोग हैं इधर शिखर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सर होंगे वो अटेंडेंस ले रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है आपका, ये एग्जांपल समझ में आया प्रॉपर, किसी भी स्टूडेंट को इस एग्जांपल में प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछिए, क्वेश्चन कर सकते हैं। ओजस हो जाएगा? हाँ सर। गुड, ठीक है, ये वाला एग्जांपल और कर लीजिए, इसके अलावा मैं एक दो एग्जांपल और कराऊंगा यहाँ पे कंडीशनल कंस्ट्रक्ट और डिसीजन मेकिंग के, देन इसके बाद आपको क्या कुछ आगे मूव करेंगे। तो आपके दो टॉपिक अभी इसमें, एक वेरिएबल्स और दूसरा कंडीशनल कंस्ट्रक्ट, इन दोनों को अच्छे से करना है। मैं आपके स्लाइड से और ये नोट्स सेंड करवा देता हूँ, आप इसके नोट्स भी बना सकते हो, ओके, आप अपनी बुकलेट में बना लेना, इसको सेकंड टॉपिक है, और ये आपका फर्स्ट टॉपिक मैंने 2 दिन में कवर कराया था, लास्ट 2 डेज, ओके, हो जाएगा सभी से, आगे मूव करें। हाँ ये वाला एग्जाम्पल भी सेम दिया है, ये तो अभी वही वाला है गेम वाला, इसको मैं हटा देता हूँ अभी यहाँ से, चलो अभी इसको नहीं हटा रहा, शायद किसी स्टूडेंट को नीड पड़ जाए, ठीक है, बाकी ये थ्योरी पार्ट्स और देख लेना। अब भी देखो कंडीशनल कंस्ट्रक्ट के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, ग्रेटर देन यूज किया था ना आपने अभी, यस सर, ग्रेटर देन इक्वल भी यूज कर सकते हो, डबल इक्वल भी यूज कर सकते हो, ओके, ग्रेटर देन इक्वल यूज कर सकते हो, और उसके बाद नॉट इक्वल भी यूज कर सकते हो, तो ये सारी आपके ऑपरेटर्स हैं, इन ऑपरेटर्स का भी मैं आपको लिस्ट दे दूंगा जिसमें आप ऑपरेटर्स चेक कर सकते हो। यस सर, मेरे को ये पूछना है सर, जो पाइथन वीडियो सर जो वीडियो आती है ना पाइथन की सर, वो जो पाइथन आप करवाते हो वो कौन से ऐप पर, मतलब वो कौन से
ऐप पर होती है लैपटॉप में। पाइथन आईडीएली में कराता हूँ ना मैं बेटा। पाइथन का आपने कहाँ देख लिया? नहीं सर वो यूट्यूब पे देखा था ना सर, तो मेरे को ये पूछना है कि कौन से ऐप पर होता है। वो मैं आईडीएली पे ओपन कराता हूँ, पाइथन की आईडीएली है उस पे। ओके सर। और भी किसी स्टूडेंट को कोडिंग से रिलेटेड कोई इश्यूज, अभी का पुराना लेटेस्ट या फिर लास्ट का कोई हो तो पूछ लीजिए। किसी को कोई इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है, सभी का सही चल रहा है सर? हो गया सभी का? हो गया बहुत अच्छी बात है, सभी का होना चाहिए। आज भी खत्म होने वाली है क्लास तो। हाँ क्लास में इसलिए आगे नहीं बढ़ा रहा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मैंने स्पीच लगाई है तो सर अगर वो 18 से कम हो तो अभी सर वो बोला यू कैन प्ले गेम। ऐसा क्यों बोल सकता है? आपने उसको स्पीच को किसके अंदर लगाया है? सर मेरे को लगता है इसने ग्रेटर देन लेसर देन में कुछ किया होगा। किस स्टेटमेंट में लगाया? सिर्फ शो कराओ अपनी स्क्रीन फास्ट बस। कहाँ पे लगाई आपने? लाइन नंबर 10 में लगाई है, तो इसको लाइन नंबर 10 में नहीं लगाना आपको, लगाना इसको है, लगाना है लाइन नंबर 3 के बाद एंटर प्रेस करके। नहीं नहीं इसको ओके यू कैन प्ले द गेम लगाना है आपको। कब लगाना है? लाइन नंबर 8 के बाद, 8 के बाद एंटर देके बना कॉपी करके पेस्ट कर दो। लाइन नंबर 8 में आपको क्या करना है, इसको कट कर लो। अरे सर इसने इफ के बाहर ही लगा दी। ठीक है अब लाइन नंबर 8 के लास्ट में जाओ, 8 के लास्ट में जाओ एंटर करो। सर वो ब्रैकेट तो कंट्रोल भी कर लो उसको तो आ गया होगा जिसने शेयर किया। ठीक है वेरी गुड, सभी का होगा बस अच्छे से करते जाओ। तो बस मुझे इरितमान इरितमान का कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा। इरितमान का यस या नो कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा? क्लास कहीं और, चलो अब तो क्लास ही ओवर हो गया। बट ठीक है बेटा आपका फॉलो अप ले रहा हूँ मैं। सर आप मेरी एक चीज देख सकते हो? हाँ देखूंगा क्यों नहीं सर। मैंने गेम बनाने की रॉक पेपर से गेम बनाने की कोशिश की सर। मैं सर मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करो। मैंने तो अभी मेरा न्यू लैपटॉप आया तो सर मैंने पहली पीपीटी बनाई सर लैपटॉप पे खुद से। सर दो थोड़ा सर मैं अभी आपको एक डांस पार्टी दिखाना चाहूंगा सर अपनी। नहीं नहीं जो आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो वो मैं देख रहा हूँ, आप अपने आप प्रोजेक्ट उस पर शेयर करते हो तो मैं देख लेता हूँ। सर आपने मेरी डांस पार्टी देखी फिर? हाँ देखा था आपका प्रोजेक्ट। शुभ बेटा दिखाओ ना, उसने मेरे को सिखाई थी। कोई दिक्कत नहीं, शुभ बताओ तो फास्ट क्यों नहीं कर रहे हो शेयर? सर ये मैंने बनाने का ट्राई किया पर सर ये जो बॉट है ना बॉट सर ये मुझसे मतलब मैं चाहता हूँ कि कोई भी रैंडम ले ले इनसे या हैंड ले या पर सर ये बोर्ड का कैसे आएगा सर? बोर्ड का हाय के लिए हेलो के लिए हैंड आना चाहिए। ठीक है तो सर हेलो के लिए नहीं सर, जैसे रॉक पेपर सीजर है ना जैसे इन तीनों में से कोई भी आना चाहिए रैंडम। तो इसके लिए जैसे अभी आप अभी मैंने आपको नहीं बताया फंक्शन, मैं आपको बताऊंगा जैसे ही आप प्रॉपर वर्क करते जैसे आप अपने, शायद रैंडम नंबर यूज होगा। हाँ रैंडम नंबर भी होगा, जैसे मैं एक फंक्शन बना दूंगा, फंक्शन बनाने के बाद जैसे आपका जो जैसे हो रहा है इवेंट हैंडल हो रहा है इवेंट चल रहा है सेम उसी पे ही आप क्या कर दोगे सेकंड वाले को फंक्शन को कॉल करा दोगे तो सेकंड वाले फंक्शन को क्या हो जाएगा वो आपके ऑटोमेटिक चलने लगेगा।
ओके ये रिमिक्स करना है आपको, रिमिक्स वाला करना है। किसका शेयर किया हुआ लिंक? सर ये मैंने बनाया सर। किसी और का? तो आपके में रिमिक्स क्यों आ रहा है सर? रिमिक्स कहाँ आ रहा है सर? आ रहा है ना रिमिक्स का ऑप्शन, इसमें एडिट करना है, इसमें जाके वर्कस्पेस में जाके एडिट करना, वर्कस्पेस कोड में जाओ। नहीं सर वैसे भी आता है रिमिक्स। अच्छा रिमिक्स आता ही रहता है सर। कहाँ पे? वर्कस्पेस में, ये इसमें लाइन नंबर 15 में। यस सर। टाइप हो रहा है सब चीज? यस सर हो रहा है ना सर। ओके वेरी गुड, ठीक है इसको हटाओ पहले, अभी हम इसको रीड करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपने क्या किया? एक सॉरी सर। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें थोड़ी सी चीजें और इम्प्लीमेंट कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, मुझे शेयर कर देना, मैं देख लूंगा और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मुझे भी सेंड कर देना। हाँ सबको सेंड कर देना, इनके ग्रुप पे डाल देना, चैट बॉक्स मेरे को भी कर देना, सबको कर देना, सब कर देना, ठीक है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आप इसको थ्योरी पार्ट को अच्छे से रीड करना, अभी ये दो बुकलेट भेज रहा हूँ 2-3 पेज की, तो उसको आप रीड करते रहना। ओके ओके सर हो जाएगा सभी से, ठीक।